अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। इसमें हमने काइट्स बनाई हैं और जो कि हमने कलरफुल थ्रेड्स के साथ बनाई हैं। मल्टी कलर्स के साथ ये काइट्स बनाई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये हमने 5 ईयर की बेबी गर्ल के फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग की है। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने बेबीज़ के ड्रेसेस पर कर सकते हैं और गर्ल्स की शर्ट्स पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले सैटिन स्टिच यानी सिंपल भराई टांके के ज़रिए से हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। अपने पैटर्न को फॉलो करते जाएं और करीब करीब स्टिचेस लेते जाएं। जैसे ही हमारे पैटर्न में साइज़ बड़ा होता जाएगा, हमारा पैटर्न साइज़ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम स्टिचेस का साइज़ भी बढ़ाते जाएंगे और पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। इस तरह से ये भराई बहुत ही नीटली बन जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thank you.
अब हम काइट का नीचे का पोर्शन बना रहे हैं। इसके लिए हम सेम थ्रेड यानी पिंक कलर के थ्रेड के साथ इस नीचे के पोर्शन को बनाएंगे। थ्रेड को सिंपली टू फिंगर्स के अराउंड रैप कर लें। जितने आप उसका जो है लेंथ चाह रहे हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ टू फिंगर्स पे किया है, आप थ्री फिंगर्स पे भी रैप कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिक्योर कर लें। अच्छे से सिक्योर करने के बाद हमने इसको फोल्ड करके और फिर उसके बाद अटैच कर देना है। इस तरह से हम सिंपल सैटिन स्टिच के ज़रिए इसको सिक्योर कर लेंगे और इसको अच्छे से सिक्योर करना है ताकि ये यहाँ से निकल ना जाए। जब हम सिक्योर कर लेंगे तो उसके बाद सीजर की मदद से हम इसकी कटिंग करके और इसको नीट बना लेंगे। हमारी काइट ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ इसकी उसको क्या बोलते हैं डोर, सिर्फ वही बनाना बाकी है। उसके लिए हम रनिंग स्टिच के साथ और लाइट पिंक कलर को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। रनिंग स्टिच बनाना बहुत ही आसान है। करीब करीब छोटे छोटे स्टिचेस लेते जाने हैं और रनिंग स्टिच बहुत ही इजीली बन जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और अपने जैसा बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।